जो मैं मेन एंड बेयरिंग्स ला रहा हूँ ये भी एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात देखिए मैं इस कंपनी के, मैं ये मैं वैसे तो तीसरी बार दे रहा हूँ, मैं नवंबर 2020 में दिया था जेम्स के रूप में और एक बार मैंने एसपीएल मिड कैप में दिया और आज दूसरी बार दे रहा हूँ। रीजन ये है कि ऊपर का लेवल जो है 113 का इसने दिखाया है और वहां से ये अच्छा खासा करेक्ट होके अब 83-85 के लेवल्स पे आ गया। और जब ये पैनिक बना था फरवरी 23 तारीख से लेकर जो मार्च के 8-10 तारीख तक जो भी माहौल बना था उसमें भी ये स्टॉक ने अपने 200 डेमा को जबरदस्त रेस्पेक्ट दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पैनिक बॉटम अब हमें मिल गया तो एक पता चलता है कि ठीक है अब इससे नीचे नहीं जाएगा स्टॉक, तो वो लेवल 80 रुपए के लगभग था और अभी खूब चल चुका है ऑलरेडी, मैंने 83 के लगभग नाम स्क्रीन पे आया था। बट एनीवेज तो मेन एंड बेयरिंग एक अच्छे खासे प्रमोटेड कंपनी है, मेन एंड पिस्टन्स उन्होंने प्रमोट की हुई कंपनी है। और दूसरी बात ये 1991 में इस कंपनी का आईपीओ आया था और तब से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है और इंजन बेयरिंग्स बनाती है, बुशिंग्स बनाती है, थ्रस्ट वॉशर्स बनाती है, एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग कंपोनेंट्स बनाती है जो कि हाई हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में, ट्रैक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में, मटेरियल हैंडलिंग में, इन सब में यूज होता है, डीजल गैसोलीन और सीएनजी इंजन्स में भी। तो अच्छे खासे डाइवर्सिफाइड यूज है इनके प्रोडक्ट्स की, ऑटो एंसिलरी कंपनी के साथ साथ इंजीनियरिंग एंसिलरी भी मान लीजिए आप। अब दूसरी बात यह है कि जो रिजल्ट्स थे वो बहुत बड़े थे दिसंबर के भी और पिछले 5-6 क्वार्टर्स मतलब सितंबर 2020 मतलब जून 2020 को छोड़ दें उसमें भी इनफैक्ट मेंटेन था प्रॉफिट्स इनका, गजब का टर्नओवर डबल हुआ ऑलमोस्ट और 5 करोड़ से ऊपर कंपनी कमाते कमाते पिछले अगर एक साल का टीटीएम बेसिस पे देखें तो 24 करोड़ का पैट है। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग 72% के लगभग है और कुछ अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें तो उसमें भी मैंने देखा FIIs की 2.25% के लगभग स्टेक है। तो इन सबको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है और रेटिंग्स भी देखा तो रेटिंग्स भी बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, डिविडेंड यील्ड भी 2.25% के लगभग है इन सब को और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22-23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। सो आराम से स्टॉक को ले और 2017-18 में ये स्टॉक 120 का लेवल्स दिखाया हुआ जब मिड कैप का एक ड्रीम रैली चला था, इस बार की रैली में 113 जाके आया और अब वापस ऐसे लेवल्स पे मुझे लगता है अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। 17-18% जरूर चला है, नीचे आए तो और लेने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आराम से 110 के टारगेट्स के लिए स्टॉक आगे बढ़ेगा।